हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे पास में है सिल्वर लाइट का सोलर टॉर्च, जो कि सोलर पैनल से चार्ज हो सकती है। और हमारा जो एडेप्टर आता है, उस एडेप्टर के जरिए चार्ज हो सकती है, यानी कि हम घर पर चार्ज कर सकते हैं, धूप में इसको सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी एक इंडियन टॉर्च है। अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको इसके ऊपर से कुछ दिखा देता हूँ। ये हमारा सिल्वर लाइट कंपनी का टॉर्च है। टॉर्च जो है सम्राट मॉडल है ये, और आत्मनिर्भर भारत जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस तरफ भी सेम टू सेम वही है। इस तरफ हिंदी में लिखा है और इस तरफ आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी मैं इसको खोल लेता हूँ। ये इसके साथ में दिया हुआ है एक एडेप्टर है, जिसके जरिए हम हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी में हम बोर्ड को डाल, ये चार्जर को लगाकर टॉर्च को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और फिर हमारा ये आ जाता है, ये सिल्वर लाइट का टॉर्च है, जो कुछ इस तरह की पैकिंग के अंदर आता है। और एकदम टॉर्च बहुत ही कंफर्टेबल टॉर्च है, हाथ में आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। वैसे मैंने इसका पैकिंग नहीं खोला है, यहाँ से हम इसको पकड़ सकते हैं। और ये पीछे इसका सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पर इसका जो एडेप्टर का जो पिन है, ये वाला पिन, वो हम यहाँ पर लगा कर चार्ज कर सकते हैं। और ये इसका स्विच है सामने, स्विच इसके अंदर पुश बटन दिया हुआ है, जिसमें हम पहली बार दबाने पर ये सामने वाला लाइट जलेगा, फिर से हम पुश करेंगे तो ये वाला जो साइड लाइट है, जो कि हमारे को हैंडल में ही दिया हुआ है, बहुत ही कम जगह में ये इस लाइट को एडजस्ट किया हुआ है, बहुत अच्छी लग रही है टॉर्च। और इसको हम ऐसे उल्टा रख सकते हैं, जैसे कि लाइट जाने के बाद में हमारे को घर में भी ये काम आए और हर तरह से हम इसका यूज कर सकें। अभी मैं इसका सोलर पैनल निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये इसमें सोलर पैनल दिया हुआ है, जो कि इस तरह से सोलर पैनल है, बहुत ही अच्छा सोलर प्लेट है, ये इंडियन है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा वस्तु है। जैसे मैं जो भी बैटरी आपको पहले भी बता चुका हूँ, इनमें से ज़्यादातर बैटरियाँ चाइना की होती है, ये बैटरी इंडियन है, तो ये बैटरी अच्छी है, अच्छी होने के साथ साथ ही ये बहुत अच्छी है। तो ये हमारा जो सॉकेट है, हम इसको इसके अंदर यहाँ पर सॉकेट को यह लगा देंगे और ये आसानी से धूप में इसको रखेंगे तब चार्ज हो जाएगी। और बहुत ही अच्छी ये सोलर प्लेट है, साथ ही में ये टॉर्च है। और अभी ये जो बैटरी है, इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस ये ज़्यादातर विशेषताएँ जो हैं इसी के ऊपर ही लिखी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर नोट किया हुआ है कि ये है हमारा 5000 हॉर्स LED बल्ब लाइफ, मतलब जो इसका LED जो बल्ब है, इस बल्ब की जो लाइफ है हमारी, वो 5000 घंटे तक ये चलेगा। ऑन ऑफ स्विच विथ स्पेशल डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस कैप, जो ये स्विच है इसके ऊपर ये कैप है, इसके नीचे जो स्विच है, कैप के नीचे स्विच है और इसके ऊपर जो कैप है वो वाटर रेजिस्टेंट है और डस्ट प्रूफ है। धूल लगने से और थोड़ा बहुत पानी के छांटे लगने से ये स्विच ख़राब नहीं होगा, ऐसा इसके ऊपर लिखा है, और ये चलता भी है, बहुत अच्छा चलता है। फिर इसके ऊपर लिखा है कि जो बैटरी बैकअप है 8 से 10 हॉर्स, बैटरी का बैकअप है 8-10 घंटे बैटरी बैकअप देगा, तो कम से कम 8 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे मान सकते हैं आप, ये बैटरी बैकअप पूरी रात के लिए देगी। फिर इसके बाद में सोलर चार्जिंग टाइम जो है वो 10 से 12 घंटे, आपको पूरे दिन सोलर पैनल की मदद से अगर आप रखोगे तो पूरे दिन इसको चार्ज में रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में जो लिखा है अप्रॉक्स रेंज, मतलब ये समथिंग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जितना इसका दूर तक इसका रोशनी जाएगी। टॉर्च वैसे छोटा है लेकिन है पावरफुल, बहुत ही अच्छा टॉर्च है। और इसके अंदर जो बैटरी यूज हुई है वो 4 वोल्ट और 4.5 एम्पियर का बैटरी है,
जो कि बड़ी बड़ी जो मेरे पीछे आप देख रहे हो टॉर्च है उनमें आती है। ये बैटरी इसमें यूज़ हुई है तो बैटरी काफ़ी अच्छी चलेगी, ये मेरा मानना है। अभी इसके बाद में इसी कंपनी का एक और मॉडल है मेरे पास में, जो कि सिल्वस कंपनी का ही है और ये इससे सेम टू सेम इसी के जैसा है। इसके अंदर जो हमारे को मिल जाता है ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल की मदद से हम इस बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ में ये हमारा जो एडेप्टर है वो भी सेम टू सेम इसी के जैसा एडेप्टर है, वो इसके साथ में हमारे को मिल जाएगा। और जो इसकी बनावट है वो भी लगभग सेम ही है। इसी का जो इसका जो हैंडल है इसके अंदर इसका साइड लाइट दिया हुआ है, जो आप साइड लाइट जलाना चाहो तो इस तरह से आप चालू करके रखेंगे साइड लाइट चलेगी, और अगर सामने वाला लैंप जलाना है तो आप सामने वाला लैंप जला सकते हो, और पकड़ने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और दूसरा सबसे अच्छी बात ये है इसका जो ये पीवीसी मटेरियल है बहुत ही अच्छा मटेरियल है। बाकी जो इंडियन टॉर्च हैं इतने दिन पहले जो भी हम देख रहे थे या हम यूज़ कर रहे थे उनका पीवीसी इतना अच्छा नहीं है, वो ब्रेकेबल पीवीसी है, हम इसको अनब्रेकेबल बोल सकते हैं। ये नीचे गिरने पर टूटेगा नहीं, अच्छा पीवीसी है। और इसमें यूएसबी चार्ज सॉकेट दिया हुआ है, इसकी मदद से हम हमारा मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये जो सॉकेट दिया हुआ है डीसी सॉकेट, यहाँ पर हमारे को सोलर का पिन लगाना है, और अगर घर पर चार्ज कर रहे हैं तो हमारा जो एडेप्टर है ये वाला, इस एडेप्टर का जो पिन है वो लगानी है। और इसका जो रेंज है ये दूर तक जो जाएगी वो लगभग 2 किलोमीटर तक जाएगी, और आसानी से जाती भी है। जो भी हमारे कस्टमर हैं जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक बार इस टॉर्च को लेकर गया वो दूसरी बार इस टॉर्च का डिमांड करता ही है, फिर से आकर ऐसी टॉर्च लेकर जाता है। और ये जो बड़ी वाली टॉर्च और ये छोटी वाली टॉर्च जो मैंने आपको दिखाई, इन दोनों में जो डिफरेंट है वो इसके अंदर जो बैटरी है वो हमारी 6 वोल्ट और 4.5 एम्पियर की है, और छोटी वाली में जो बैटरी है वो मैंने आपको बताया है कि 4 वोल्ट और 4.5 एम्पियर की बैटरी है। इसका 6 वोल्ट की बैटरी है, और इसको जो चार्ज होने में जो टाइम लगता है वो हमारा सोलर से अगर चार्ज करेंगे तो पूरा दिन इसको सोलर में चार्ज के लिए रखना पड़ेगा, और एडेप्टर से चार्ज करोगे तो आपको 8 से 9 घंटे तक इसको चार्ज में रखना पड़ेगा, तब ये 0 से फुल होगी। और अगर आपका यूज़ कम है तो फिर आप इसको कम चार्ज कर सकते हो, फिर भी अगर नहीं यूज़ है बिल्कुल भी फिर भी आपको 15 से 20 दिन में इसको एक बार चार्ज करके ज़रूर रखना चाहिए। आपके पास कोई भी टॉर्च हो बड़ी वाली टॉर्च है तो उसको 15-20 दिन में नहीं यूज़ होने के बावजूद भी आपको चार्ज करके रखनी चाहिए। उसी के साथ ये एक इंडियन टॉर्च है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंडियन टॉर्च है, लेकिन ये इंडियन टॉर्च एक सबसे अच्छी टॉर्च है। मैंने पहले आपको अमूल के बारे में भी बताया, अमूल भी इंडियन टॉर्च है, ये भी है, लेकिन ये एक अलग ही टॉर्च है। क्योंकि जैसे कि लोग चाइना की टॉर्च को देखकर उसको उसके तरफ आकर्षित कुछ हो जाते हैं, मतलब लोगों को लगने लगता है कि हाँ यार क्या टॉर्च है, क्या लग रही है, क्या दिख रही है, लेकिन उसकी क्वालिटी, क्योंकि अंदर से उनका बैटरी सेल जो होता है वो और जो उसका सर्किट वगैरह होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, या फिर होती भी है ख़राब हो जाने के बाद हम उसको रिपेयर नहीं करा सकते हैं, और सेम टू सेम हमारे को वो अवेलेबल नहीं होता है सभी वस्तु मार्केट में। लेकिन ये एक ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन है कि आप इस बैटरी को लें। इस बैटरी को लेने के बाद में आपको इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है ही है, उसी के साथ में ये एक इंडियन है तो हमारा प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ का वस्तु है, तो आपको यूज़ करने पर एक लगेगा कि हाँ मैं भारत में बनी हुई आइटम यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ अलग ही एहसास होगा। जैसे कि वो जो अपने देश से प्यार करते हैं उन लोगों के लिए देश की वस्तु यूज़ करना काफ़ी अलग ही होता है, उनको अच्छा ही लगता है। और साथ ही में दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि इस टॉर्च को आप कहीं से भी रिपेयर करवा सकते हो, जहाँ पर ये टॉर्च बिक रही है वहाँ पर इस टॉर्च का सामान मिल जाएगा आपको, इसके पार्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और टॉर्च वैसे काफ़ी अच्छी है। अभी मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, इसका प्राइस इसके बॉक्स पर ही लिखा हुआ है, और आप अगर आपके एरिया में कहीं से भी ये टॉर्च ले हो तो ये प्राइस आप देख सकते हो। इस
बॉक्स के ऊपर आप MRP देख सकते हो। ये हमारा MRP है 1100 रुपये का। 1100 रुपये का जो रेट है, इसमें हम हमारे स्पेशल कस्टमर के लिए 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। 20% इसका डिस्काउंट हमारा देने के बाद में ये हमारा टॉर्च हो जाता है, जो सिलो लाइट का छोटा वाला टॉर्च, वो 880 रुपये का। और फिर उसके बाद में ये मेरी जो बड़ी टॉर्च है, बड़ी टॉर्च का जो प्राइस आप देख सकते हो, तो इसके ऊपर 1350 रुपये का MRP इसका ऊपर लिखा हुआ है। और 1350 जो MRP लिखा है उस पर 20% लेस होने के बाद में ये इसका रेट हो जाता है हमारा 1050 रुपये। जो भी प्राइस है वस्तु के हिसाब से कंफर्टेबल रेट है, और यूज करेगा वो यूज करके खुश हो जाएगा। ऐसी टॉर्च है, और ये टॉर्च आई है मेरे पास में आज, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। और कैसा लगा आपको मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू।